फिल्म का कौन सा फॉर्मूला हो सकता है फ्लॉप, क्यों बातें गदर 2 को बनाएंगी फिसड्डी और क्या रास्ता है अनुज शर्मा के पास में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 20 साल बाद गदर एक प्रेम कथा की टीम सीक्वल के लिए नई कहानी के साथ वापस आ रही है। गदर एक पीरियड रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे निर्देशक अनिल शर्मा ने बंटवारे और भारत पाकिस्तान के बीच के मतभेदों को मसालेदार तड़का लगाकर बनाया था। गदर 2 की कहानी को पुराने स्टार कास्ट के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि सनी देओल और अमीषा पटेल के मेन रोल्स में होने के अलावा इसमें उत्कर्ष शर्मा भी होंगे। फिल्म मेकर्स की कोशिश है कि सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी को नए सिरे से बॉक्स ऑफिस पर बुनाया जाए। इसके अलावा दोस्तों फैमिली इमोशंस का तड़का भी लगाया जाएगा। हालांकि गदर 2 का फॉर्मूला कितना एंटरटेनिंग होगा ये तो हम आपको धीरे धीरे बता ही देंगे। अब सवाल ये उठता है कि देशभक्ति का अलाप लगाकर भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी को बॉलीवुड आखिर कितने दिनों तक बेच सकता है। कई दिनों तक बेचा जा सकता है, लेकिन दोस्तों कंडीशंस के साथ। ये तो सब जानते ही हैं कि दोनों देशों के बीच तनातनी एक भावुक मुद्दा है जो हमेशा दर्शक को इफेक्ट करता है। बावजूद फिल्मों के जरिए भावुकता को बुनाने के लिए दोस्तों कई और चीजें भी जरूरी होती हैं, जैसे अच्छी कहानी, बढ़िया निर्देशन, स्टार कास्ट और प्रोजेक्ट में एक्टर्स टीम के बीच परफॉर्मेंस। अगर भारत पाकिस्तान को लेकर बन रहे किसी प्रोजेक्ट में ये चीजें नहीं हो तो दोस्तों उससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए हल्ला मच सकता है, लेकिन टिकट विंडो पर नतीजे नहीं निकाले जा सकते। ये तो साफ है कि गदर 2 की कहानी बंटवार भारत पाकिस्तान के रिश्तों को ज्यादा बढ़ चढ़कर ही दिखाएगी। हालांकि ये कैसे होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करते हुए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड की तमाम देशभक्ति फिल्में इन दोनों देशों की तन्हाई पर आधारित है। अकेले सनी देओल ने ही कई फिल्में की है जो कामयाब रही है। इनमें बॉर्डर और गदर सबसे अहम है, मगर दोस्तों फिल्म की कहानी में इन दोनों देशों का होना तभी काम करेगा जब उसे प्रभावी तरीके से दिखाया जाएगा। अब ऐसे करने का अनिल शर्मा के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो गदर 2 को इसके प्रीक्वल से ज्यादा प्रभावी बनाए, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। फिल्मों और स्टार से जुड़ी कई और सुपर इंटरेस्टिंग बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है फिर जगह।